छत्तीसगढ़ के बस्तर से अलग होकर एक जिला बना दंतेवाड़ा, जहां जमीन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। बेशकीमती खनिज से लदी जमीन पर रहने वालों के होंठ गर्मियों में पानी को तरस जाते हैं। दंतेवाड़ा मतलब मीलों तक फैला डरावना जंगल, सन्नाटा और बंदूकों की गूंज। वक्त बदला, दुनिया बदली, लेकिन दुनिया की रफ्तार से कदम ताल करने में दंतेवाड़ा मीलों पीछे छूट गया। लेकिन अब जहां पहले कुछ भी नहीं था, वहां अब स्कूल, अस्पताल और तारकोल की सड़कें दिखने लगी हैं। यह बदलाव मुमकिन हो पाया है सरकारी और कुछ हद तक गैर सरकारी संगठनों की इच्छा शक्ति की वजह से। नक्सलियों की पकड़ अब आम जनजीवन पर ढीली पड़ने लगी है और लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगे हैं। नए दंतेवाड़ा की आहट अब महसूस होने लगी है। सबको राम राम, जोर से बोलो भाई, राम राम। और क्या बोलते, जुहार। जो मेरे दर्शक इस कार्यक्रम को घर बैठे हुए देख रहे हैं, आज आपसे मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। मैं जब इस दंतेवाड़ा इलाके में आने का मैंने दो दिन पहले अपने परिवार में चर्चा की बैठे हुए, तो मेरे बेटे और मेरी बहू ने कहा, क्यों पापा क्यों जा रहे हो दंतेवाड़ा, वहाँ तो बड़ा नक्सलवादियों का डर है और इत्यादि इत्यादि, मत जाइए। आप जो घर बैठे हुए हैं, आपके मन में भी ऐसा ही विचार आ रहा होगा, लेकिन ये बात सही है कि आज से 15 वर्ष पहले इस जगदलपुर इलाके में जब मैं आया था एकल विद्यालय के काम के लिए, तो जगदलपुर से आगे मुझे नहीं आने दिया गया था। लेकिन आज जिस प्रकार का स्थिति जो मैंने यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 12 वर्षों में की है, मैं तो आप सबको कहूँगा कि आप यहाँ आइए और यहाँ देखिए कि किस प्रकार से यहाँ के लोग, आदिवासी लोग, किस प्रकार से प्यार से, किस प्रकार से ये जो एजुकेशन हब बनाया गया है सरकार के द्वारा, आप आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यही जो इलाका जिससे आप डरते हैं, इसी इलाके से बहुत से लोग आप के आने वाली जनसंख्या, आने वाले पीढ़ियां यहाँ के कुछ लोगों के नाम लेके याद किया करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बच्चों, आज का विषय हम कैसे कामयाब हों, हम कैसे जो हमारे मन में आए उसको बेझिझक, कैसे हम जो सपना देखें उसको पूरा कर सकें। मुझे कई बार देशभर से युवाओं के जो प्रश्न आते हैं, उसमें से कुछ प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा। मुझे लगता है कि ज़रूर आपके मन में भी वैसे प्रश्न आते होंगे। कभी कभी जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो मन नहीं लगता है पढ़ने में, क्या होता है, मन विचार इधर उधर भटकता है, सोचने लगते हैं कि अरे मेरे परिवार के साथ तो इन नक्सलवादियों ने बहुत बुरा किया। उस दिमाग में जब चले गए तो पढ़ाई करना भूल जाते हैं, उसका क्या इलाज करें, कभी मन में आता है कि प्रश्न के नहीं, हाथ उठाइए किन किन के मन में प्रश्न आता है सर। अरे वाह, बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता है। तो उसका एक, ये मेरे साथ भी होता था बचपन में, लेकिन मेरे को मेरे
एक टीचर ने, जब बच्चा था आपकी उम्र का, 8 साल की उम्र का था मैं, जब दिमाग इधर उधर चला जाए, और ये बात बच्चों आपके साथ ही नहीं होती है, ये बात इन, ये जो बड़े लोग बैठे हैं सामने जो कामयाब हैं अपने लाइफ में, इनके साथ भी कभी कभी होता है। बहुत से व्यापारी हैं, सरकारी अफसर हैं, उनका भी दिमाग चला जाता है इधर उधर, और उस समय उनको बड़ी परेशानी होती कि ये मेरा मन क्यों नहीं लगता आज किसी विषय को मैं जो काम कर रहा हूँ। कई व्यवसायी जितना कामयाब उनको होना चाहिए नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए, और ये बात ध्यान से सुनिएगा और अपना जिंदगी भर याद रखिएगा, कभी भी आपको फेलियर सामने आएगा नहीं जिंदगी में आपके। आप तो वैसे भी बहुत प्रतिभाशाली हैं, फिर भी कभी भी दिमाग अगर इधर उधर जाए तो उसको वापस प्रेजेंट में लाने का। तो एक बात कही गई, भूतकाल भूतकाल व्याकुल करे, यानी क्या, अगर आपका दिमाग किसी समय पिछली बात को याद करने के लिए चला जाए तो उस समय क्या मन में आता है कि बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है, काश मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता, काश मैं किसी बड़े शहर में अच्छे किसी और राजनेता के घर में पैदा हुई होती। बाय द वे मैं बता दूं बीच में बात काट के, शहरों में कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है। जितना पवित्रता से, जितनी अच्छाई से आप लोग यहाँ रहते हैं, जो मानवता के प्रति सोच आप लोगों की अच्छी है वो शहर के लोगों की कम है। एक बार मैं जब एक वन यात्रा में आया, अपने दो मेरे बेटे हैं एक बेटी है, वो छोटे थे उस समय, उनको भी लेके आया, तो एक वनवासी की झोपड़ी में बैठा, तो 3-4 महीने जब बारिश पड़ती थी तो खाने को नहीं मिलता था, लेकिन उस समय ऐसी स्थिति थी कि 3 महीने फ्रेश खाना नहीं मिलता था। तो वो सब कुछ आम की गुठली वगैरह वगैरह सुखा के अपने छपरे के नीचे रखते थे। तो हमने पूछा, भाई अच्छा, गाय बाहर बंधी हुई थी, बछड़ा भी था, उससे बनवासी से मैंने पूछा, भाई तो अच्छा 4 महीने आपको ताज़ा खाना नहीं मिलता लेकिन आपके बच्चों को दूध तो मिल जाता होगा गाय का, तो बच्चों पता है उसने क्या कहा, उसने मेरे से सवाल पूछा कि बाबू बताओ तुम्हारी माँ का दूध तुमने पिया या तुम किसी और ने पिया। तो ये गाय का दूध तो बछड़ा पिएगा, उसका दूध मेरा बच्चा कैसे पिएगा। ये भावना, इस भावना की जगह से आप पैदा हुए हैं तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। मैं तो आपको कहता हूं, गांव के लोगों को, शहर के लोगों की तरफ देखिए मत, वो कोई ज्यादा ये नहीं है, ऐसे जाइए जरूर, उनसे अच्छी बातें सीखिए, लेकिन अपने आप को कम भाग्यशाली मत समझिए। आप ज्यादा भाग्यशाली हैं जो गांव में आप इस इलाके में पैदा हुए बजाय इसके कि शहर में किसी के बड़े घर में। तो खैर वापिस आते हैं अपने विषय पर, पिछली बातों में दिमाग चला जाता है तो दुख होता है, रिग्रेट अंग्रेजी में बोलते हैं उसको, और जब दिमाग आगे चला जाता है, आगे की सोचने लगता है, तो हमारे अंदर एंग्जाइटी पैदा होती, चिंता पैदा होती, मन में आता है कि अरे अगर ये साल फेल हो गए तो क्या करेंगे स्कूल में, ये साल परीक्षा में फेल हो गए तो क्या करेंगे। वो दिमाग आगे चला गया ना, अभी तो परीक्षा हुई नहीं, अभी तो आप परीक्षा दे रहे हो, जब फेल होंगे तब देखा जाएगा। तो इसलिए कहा कि भूतकाल व्याकुल करे या भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए।
तो जो भी काम करो बच्चों, कभी भी जिंदगी में कभी भी कुछ भी कर रहे हो आप, उस समय में अपना दिमाग उस चीज के ऊपर पूरा कंसंट्रेट करिए, जो कुछ है ये पल है, आगे पीछे की चिंता मत करिए। ए वो फिल्म में गाना आता है, जो भी है एक पल है, हाँ बहुत से गाने हैं इसमें फिल्मों में आते हैं, अब के प्रेजेंट में रहिए। जब प्रेजेंट में रहना सीख जाएंगे तो आप कभी जिंदगी में फेल नहीं हो सकते, हमेशा कामयाब होंगे। जिस प्रकार से जब सूरज की रोशनी जब लेते हैं हम और उसको एक गिलास के माध्यम से एक कागज़ पर एकदम बारीकी से कंसंट्रेट कर देते हैं, उसमें आग लग जाती, इसी तरह से अगर अपने दिमाग की पूरी शक्ति इस पल पर जो काम कर रहे हैं उस पर अगर लगा देंगे तो वो एक्शन बड़ा डायनेमिक होगा, बहुत अच्छा होगा। छत्तीसगढ़ के हीरानार में आजादी के 40 साल बाद भी महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिला था। ये देश और इलाके का दुर्भाग्य ही था। कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात किताबों से ज्यादा जमीन पर जरूरी है। बुधरी ताती एक ऐसा नाम जिसने समाज में बराबरी और आत्मनिर्भरता की बात लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी जिंदगी के 30 साल लगा दिए। आपने अपना जीवन बेसहारा बच्चों और कमजोर महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। मुझे बहुत छोटे समय से ऐसा मन में आया, जब मैं यहाँ से नागपुर गई तो बड़े रूप में हजारों संख्या महिलाओं के बीच में जो काम हो रहा था मैं उसको देखी। देखने के बाद मेरे मन में आया कि इस प्रकार से मेरे बस्तर में अनविज्ञ जो स्कूल नहीं जाता ऐसे मेरे जैसे कई बहनें हैं, मैं उनके बीच में जाके मैं आपा जाके मैं काम करूँ। हीरानार में माँ दंतेश्वरी कन्या छात्रावास है। गुदरीता थी इस संस्था की प्रमुख हैं। कई बेसहारा बच्चे यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। आपने बारसूर में महिला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कर अब तक करीब 550 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। 15 साल से 35 साल के बहने हैं, ऐसी बहनों को ला करके 3 महीने 6 महीना रख कर उनको पढ़ना लिखना सिखाए, साक्षरता में 8वीं 5वीं ऐसा दिलाए, उनको पास करवाए। तो इसमें से लगभग 250-300 बहने हैं साक्षरता हो गए। बुधरी ताती ने अपना घर नहीं बसाया लेकिन कई घरों के चिराग रोशन किए। उनके आश्रम में पले बड़े बच्चे आज अलग अलग शासकीय पद पर नौकरी कर रहे हैं। 11 बच्चों को हमने स्कूल में लाए, उनको पढ़ाना चालू किए हमारे बलबुद्धि पे बारसूर में, तब से उनको विश्वास आया कि बच्चे पढ़ने से अच्छा होगा। I am jumping, look at me, can you do? बुधरी ताती आज इलाके में सिर्फ एक नाम नहीं, वो सोच है जो समाज को विकास के पथ पर आगे ले जाना चाहती हैं। ऐसी बुधरी तांती से आज आप मिलिए और मेरे दर्शक जो घर बैठे देख रहे हैं वो भी मिलिए और बुधरी तांती को मैं प्रार्थना करूंगा, आइए प्लीज। आज की चेंज मेकर जिनको मैं कहूंगा बुधरी तांती जी, इनसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, कुछ ऐसा एक कोई किस्सा बताएंगी जिसमें आपने किसी महिला की या किसी परिवार की मदद की हो, उसमें आपको कामयाबी मिली हो, वो कुछ कहानी बताइए। एक छोटा सा घटना है,
तो एक दिन गंगालूर क्षेत्र से कई कई अंदर के गांव में हम चले गए, साँव गांव करके। उस गांव में एक बहन को लेके गए और हमने वहाँ बैठे। बैठने के बाद चारों तरफ से कोई अस्या लेकर, कोई टंगिया लेके सब लोग आ गए, करीबन 10-20 लोग आए हमारे ऊपर हत्या करने के लिए। हमारे साथ वाले बहन बोलते हैं कि समाज सेवा करना बड़ा कठिन है, मेरे परिवार में भी लोग हैं, मुझे आपस जाना नहीं होगा, आज निश्चित है मेरा प्राण ही जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने बार बार हमको पीछे से खिसकना शुरू किए। हमने भगवान के ईश्वर के काम करने वाले लोग, उनके ऊपर कृपा, वो कृपा करेगी तो हमारा काम होता है। हम उनको धीरे से हाथ जोड़े, कोई चिंता नहीं है, भगवान हमारे ऊपर कृपा करेगी, ये कुछ नहीं होगा, आप इसका चिंता मत कीजिए। पता फिर नहीं क्या हुआ, फिर वो लोग, भगवान की कृपा है सही में, 5-10 मिनट में वो सब लोग जो मारने आए थे आपको, हाँ, वो भाग गए, चले गए। भाग नहीं गए, साथ में जो है हथियार उत्तर सब नीचे रखे। ओ वाह वाह वाह, क्या बात है। तो देखा आपने, इन बहन ने क्या किया, 20 महिलाओं को बिठा के तैयार किया। जब किसी महिला के साथ बैठ के उनके उत्थान की बात कर रही थी, तो जो लोग नहीं चाहते इस इलाके में, चाहे वो नक्सलाइट के रूप में हो, या उन लोगों ने चाहा कि अगर ये लोग महिलाएं कामयाब हो गई, दूसरे लोगों को भी उत्साहित करेंगी, तो शायद हमारे जो हम जो करना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, वो ना फैला सकें। इन्होंने फिर अपने भगवान को याद किया और वो ऐसी कृपा हुई कि वो लोग अस्त्र शस्त्र छोड़ के वहीं बैठ गए इनकी बात सुनने के लिए। ऐसी ऐसी मेरा कहना है कि ऐसा परिस्थिति अंदर अंदर गांव में, समाज के गांव में ऐसी लोग जो है अच्छे कार्य को बाधा डालने के लिए आज नहीं हजारों सालों से भी इस प्रकार से लगे हुए हैं। लेकिन जिस चीज़ को पाना है तो उसी चीज़ में, उन्हीं के पास जो गुण है उसको पाना है तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना होता है, ये बड़ा कहानी है एक प्रकार की। देखा आपने कि इन्होंने उनको ना ही प्रेरित किया, लेकिन अपने प्रेम से उनका विश्वास जीता और ये 40 वर्ष से ये करती आ रही हैं। दांतेवाड़ा और इस बस्तर के इलाके से बाहर कहीं आपको क्या ऐसा अनुभव आया, कोई बाहर का अनुभव बताइए। जब मैं एक बार आसाम क्षेत्र में गई, 300 सालों से जो यहाँ से बसे हैं जनजाति के लोग, ऐसी क्षेत्र में गुवाहाटी से 400-500 किलोमीटर दूरी पे गए, उनका जिंदगी हमारे परंपरा, हमारे सारे चीज़ को छोड़ करके, अनविज्ञता होके उनके जो परंपरा में जुड़ के ऐसी जगह में जो विराजमान है, उनके पास भी हम गए, हमारे विचार उनके सामने रखे। आज उनको हमारे जो महिलाओं में जो शादीशुदा महिलाएं एक प्रकार के सिंगर करने का जो परंपरा है, उनसे भी कई क्षेत्र ऐसा है कि वो नहीं कर पाते हैं, ऐसी जगह भी हम उनके बीच में हम सब लोग मिलकर बैठे, उनको विचार दिए। आज ऐसी क्षेत्र भी आगे आकर हमारे परंपरा का चीज़ को उनको जोड़ कर फिर उसी क्षेत्र में आइए। बहुत अच्छा। तो आपने सुना कि ये बस्तर इलाके से निकलकर असम तक महिलाओं को उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति, इस सब की प्रेरणा देने वाली ऐसी ये हमारी बहन तांती, आपका आपसे मिलना हुआ। और इस प्रकार की अगर कुछ और महिलाएं हमारे देश में निकल आएँ, तो मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सपना है, वो पल भर में ठीक हो सकेगा, ऐसी मेरी कामना है। आप आज मेरे शो पर आए, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, और आपको प्रणाम करता हूँ हृदय से। आप मेरे से उम्र में तो कम हैं, लेकिन फिर भी मेरा आपको, आपके पांव छूने का मन करता है, क्योंकि आपने निस्वार्थ इतना काम कर रही हैं। बहुत बहुत आपको साधुवाद। जो लोग बैठे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगी? जैसे अबूझमाड़ क्षेत्र का
जो इलाका है, आज भी इस प्रकार से जो चकाचौंध 7,500 बच्चे यहाँ पर आके उपस्थित है, अच्छे अच्छे बातें ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे अबूझमाड़ क्षेत्र जैसे आज भी ऐसे बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ने के बाद इस प्रकार से जो हमारे समाज या फिर हमारे छत्तीसगढ़ हो या फिर बाहर हो, उनको सबका आप सेवा देंगे और आप जैसे उनको आगे लाने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। तो बच्चों, आपको प्रेरणा उन्होंने दी कि आप भी अच्छा, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, यहाँ इस परिसर में 7,500 बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं, आपको खाने को अच्छा सब मिलता है। लेकिन उनका ये कहना है कि आप पढ़ लिख जाओ, तो और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी उनको ये सुविधाएं नहीं हैं, उन सब की मदद कीजिएगा। आप मुख्यमंत्री जी को भी कुछ कहना चाहेंगे? आज ही नशा मुक्ति का जो एक ऐसा विषय है वो बड़ा विचित्र है, कितने भी अच्छा रहे उस चीज को ग्रहण करने के बाद कई ऐसा क्षेत्र है उससे भूल जाते हैं। मैं ये आग्रह करती हूँ, विनती करती हूँ कि शासन प्रशासन भी सामाजिक जैसे क्षेत्र में काम करने वालों के लिए कुछ मदद करे, उस काम को हम करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी कुछ दिन में सफल होगी आप सब के सहयोग से, ऐसा मैं निश्चित प्रार्थना करती हूँ। सो देखा आपने, ये थी बुद्री तांती जी। इस प्रकार के लोगों को हम मेरे हर शो में हम कहीं ना कहीं से एक ऐसे चेंज मेकर को लाते हैं जिससे प्रेरणा मिले दर्शकों को, पूरे देश को, पूरे संसार को, पूरे विश्व को। चलिए अभी एक दो प्रश्न लेंगे, उसके बाद अपनी बातें और आगे भी जारी रखेंगे। आप सभी को अपनी पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको ये सारी सकारात्मक विचार कहाँ से मिली, आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है, आपके आइडल पर्सन कौन है? अरे वाह बड़ा अच्छा प्रश्न बेटा आपने पूछा। बैठिए बैठिए। देखिए, हमारे यहाँ हमारे परिवारों में एक प्रथा है, मैं जिन परिवारों से आता हूँ, एक हमारा, हम वैश्य परिवार के लोग हैं, वैश्यों में अग्रवालों में एक परंपरा चलती है कि 10% अपने आमदन का कुछ ना कुछ अच्छे कामों में परिवार लगाता है। तो मैंने पिछले वर्ष दो वर्ष पहले अपने पिताजी से जिक्र किया कि अभी आपकी 5 पीढ़ी की जो प्रथा थी वो चलती आ रही है, मुझे लगता है कि मेरे अगली 2 पीढ़ियाँ भी करेंगी इस प्रथा को, आगे निभाएंगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो तुमने जो इतना तजुर्बा हासिल किया उसका क्या, वो तो नहीं बांटा। अब ये बात उन्होंने कह दी बड़े सहज रूप से, लेकिन मन में सोचता रहा कि कैसे करूं। तो वो ही उनकी प्रेरणा थी मेरे पिताजी की, उन्होंने प्रेरणा दी कि अपना जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, जिस चीज़ से मैं कामयाब हुआ हूँ पिछले 45-50 वर्षों में, जो सीखा है वो सबको बांटूँ, उसी प्रेरणा से मैं ये करता हूँ। आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या क्या कार्य करना पड़ा? देखिए, लक्ष्य तो बेटा हर समय में बदलते रहे। जब काम शुरू किया था तो लक्ष्य था कि अपने परिवार पे कर्जा था, हमारे परिवार पर वो उतर जाए, उस समय वो लक्ष्य लेके चले, 3 वर्ष उसको लक्ष्य को पूरा करने में लगा। उसके बाद दूसरे लक्ष्य आए, लेकिन एक समय में एक ही लक्ष्य, मैं आपको कहूँगा सबको कि एक समय में एक ही लक्ष्य लेके चलिए और उस लक्ष्य को हमेशा अपने सामने ध्यान में रखिए। और अंग्रेजी में कहते हैं कि जो आपका मकसद आपने तय किया कि मुझे ये जगह पहुंचना है, तो सोते उठते जागते खाते पीते सोते उसका ध्यान आपको रहना चाहिए। अंग्रेजी में उसको कहते हैं कि ईट इट ड्रिंक इट लिव विद इट टिल यू अचीव दैट। और दूसरी बात उसके साथ साथ
कि कभी भी देर इज नो फेल्योर इन लाइफ अनटिल यू एक्सेप्ट इट. जब तक हार नहीं मान ले तब तक हार नहीं होती. सर स्वामी विवेकानंद जी का कोट है कि इफ यू कांट टेक रिस्क यू कांट गेट सक्सेस. सर 12वीं के बाद हमको कई लोग बोलते हैं कि आप इंजीनियरिंग करो, कई बोलते हैं मत करो. तो सर हम पहचाने क्या, इंजीनियरिंग करना रिस्क है कि इंजीनियरिंग छोड़ना रिस्क है? कैसे पहचानना किस बात में रिस्क है, क्या करना अच्छा है क्या करना अच्छा नहीं है, ये बहुत से प्रश्न हम सबके सामने हर समय आते हैं. जाहिर है कि यहाँ सब बैठे हुए लोग बड़े जो उम्र में हैं, जो कामयाब भी हैं लाइफ में, उनके सामने भी प्रश्न आते हैं. तो मैं एक जो मैंने सीखा है गौतम बुद्ध की जो विपसना है मैं उसकी प्रैक्टिस करता हूँ. और विपसना वैसे तो सिखाई बताई नहीं जा सकती इस तरह से लेक्चर हॉल में, लेकिन थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा. रामायण के माध्यम से आपको विपसना की बात बताता हूँ और वो उसके अंदर आपके हर सवालों के जवाब आपको मिलते रहेंगे अगर आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे. तो वो क्या है, रामायण में कितने लोग रहे? राम. सबसे पहले राम का अर्थ क्या, तो मुझे समझ में, रा से मतलब रोशनी और माँ का मतलब मेरे अंदर. मेरे अंदर की जो रोशनी है उसको राम का नाम कहा गया. और राम ने जन्म किसके लिया? दशरथ के. दशरथ यानी 10 घोड़ों वाला रथ. और अगर उसको सही मायने में अगर हम समझें तो हमारी 5 इंद्रियां हैं शरीर की जो हम महसूस करते हैं. और 5 इंद्रियां हमारी ऐसी हैं जिनसे हम कर्म करते हैं. तो ये 5 इंद्री महसूस करने वाली और 5 कर्म करने वाली जो 10 इंद्रियों को, और उनकी माता का नाम क्या था? कौशल्या. कौशल्या का मतलब स्किल, हुनर. तो जो व्यक्ति कुशलता से अपनी 10 इंद्रियों को ठीक से काबू करके उनके ऊपर अगर रथ को चला सकता है तो राम का जन्म दे सकता है. तो ये एक प्रकार से इस रामायण के माध्यम से मैंने आपको बताया कि बुद्ध की शिक्षा जो विपसना की शिक्षा है वो ये है कि अपने आप को अगर ठीक से समझेंगे, अपने अंदर के विवेक को समझेंगे, अपने आप को अगर समझेंगे तो हर प्रश्न का उत्तर आपके अपने अंदर है. अपने आप पर विश्वास करना सीखिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ. जिस दिन आपको अपने ऊपर ये विश्वास हो जाएगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आप वाकई मान लीजिए मेरी बात. और याद रखिएगा कि किसी डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अरे वाह वाकई मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ. ऐसा आभास आपको होने लगेगा, ऐसा आपको महसूस होने लगेगा और आपकी हिम्मत और बढ़ती चली जाएगी. अभी क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह, एक मिनट लूँगा आपका, क्योंकि मैं आज सौभाग्य से आप हैं मेरे साथ, तो मेरे दर्शक जो बैठे हैं उनके लिए भी कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा. पब्लिक लाइफ में आपके अपोजिशन भी लोग रहते हैं, पॉलिटिकल लाइफ में आपके ओपोनेंट भी रहते हैं, आपकी अपनी पार्टी में, बाहर की पार्टी में आपके ऊपर कई बार ठीक गलत लांछन भी लगते हैं, तो उनसे कैसे आप अपने आप को बचा के रखते हैं? यदि रास्ता सही है, निर्णय सही है, और मुझे इस बात के लिए मैं जानता हूँ कि वो चाहे विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर हो, यदि आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर शक्ति है और आप अपने लक्ष्य को क्लियर देख रहे हैं, उस बीच आप विचलित ना हो, क्योंकि लोग आपको विचलित करना चाहते हैं, गलत आरोप लगा के आपको डाइवर्ट करना चाहते हैं. मैंने तय किया मेरा डाइवर्शन कभी नहीं होगा, मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ और मैं मानता हूँ
लक्ष्य यदि पवित्र है और दिल में आपके और मन में सोच सही दिशा में जा रहा है तो दुनिया का कोई ऐसा लक्ष्य मुकाम पूरा नहीं हो सकता। आप भी यहाँ खड़े होकर डॉक्टर रमन बन के मुख्यमंत्री की हैसियत से क्या और ऊपर जाके बात कर सकते हैं। आप एक टारगेट बना के चलिए पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ। ये दो चीज़ यदि करेंगे तो दुनिया में कभी आप असफल नहीं होंगे, मैं ये लिख के आपको दे सकता हूँ। बहुत अच्छा। तो ये थे डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। उन्होंने जो कहा उसको अगर एक छोटे से एक शेर में मैं अगर आपको बताऊं तो उन्होंने ये कहा कि नाजा हो खुदा, यानी भगवान की अगर थोड़ी सी कृपा हो, नाजा हो खुदा दिल में हो आग रे तो ऊंचाई भी तुझे झुक के हाथ दे। मैं अधिकारी बनना चाहती हूँ, पर बीएससी के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा जिससे? देखिए, आप अधिकारी बनना चाहती हैं? यस सर। किस तरह के अधिकारी बनना चाहती हैं? शिक्षा अधिकारी सर, अपने जिले में। अपने जिले में शिक्षा अधिकारी बनना चाहती हैं? जी सर। जिंदगी में एक याद रखिएगा कि हम में से हर व्यक्ति जो इस हॉल में या जो इस कार्यक्रम को देख रहा है, जहाँ भी बैठे हुए देख रहा है, हमारे अंदर जन्म से कुछ न कुछ प्रतिभा किसी न किसी प्रकार की, हम पैदा होते हैं तब हमारे साथ वो प्रतिभा आती है, यानी उसको अंग्रेजी में भी से टैलेंट। आज भी जब हम बिजनेस में किसी को हम अपने नौकरी के लिए इंटरव्यू करते हैं तो तीन चीज़ें देखी जाती हैं, एक के उसका पढ़ाई लिखाई कितना है, नॉलेज यानी नॉलेज कितनी है, दूसरा उसका एक्सपीरियंस तजुर्बा क्या है, तीसरा फिर हम देखते हैं टैलेंट क्या है। तो नॉलेज कैन बी ट्रांसफर्ड, कैन बी गेन्ड, और एक्सपीरियंस कैन बी ट्रांसफर्ड। हमारे यहाँ एक परंपरा जैसे है ना, देखिए आप हैं तो भाई बड़े अहदे में, लेकिन आइए इधर, ये मेरे छोटे हैं इसलिए मैं इनसे लिबर्टी लेता हूँ। आप कितनी उम्र से हैं? 40। अरे वाह, तो मेरे बेटे के बराबर ही हैं। तो अब ये देखिए, ये मेरे पांव छुएंगे और मैं इनके हाथ पर, ये देखिए ऐसा मैंने नहीं रखिए, ये उन्होंने रखा है और मैंने हाथ उनके सर पे रखा है, तो क्या हुआ, ये मेरा एक्सपीरियंस काला जो शरीर था उन्होंने मुझे यहाँ से छुआ और मैंने उनके सर पे हाथ रखा, तो आपस में एक क्लोज सर्किट एक बन गया। और मेरे अंदर की जो नॉलेज है, मेरे अंदर की जो क्षमताएं हैं, वो इनके शरीर में ट्रांसफ़र होती है। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है पांव छूने की। शिक्षा ली जा सकती है और एक्सपीरियंस जो है वो इस तरह से ट्रांसफ़र होता है। हमारे यहाँ तो ये परंपराएं बड़े अच्छी बुज़ुर्गों ने बड़े सोच समझ के बनाई है। आज का विदेशों में क्या, अंग्रेज़ों में हाय डैड, हाय पापा, वो हाथ भी नहीं मिलाते हैं। और आजकल शहरों में भी ये हो गया, वो बाप को पांव नहीं छूते, ऐसा ऐसा कर देते हैं बस, तो परंपरा से हट गए। लेकिन जो टैलेंट है वो केवल आपके अंदर जो है सो है, उसको कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, उसके आपके अंदर कोई दूसरा टैलेंट डाल नहीं सकता। ये आपके प्रश्न का उत्तर है कि अगर आपको शिक्षा अधिकारी बनना है तो आपके अंदर वो टैलेंट है कि नहीं वो पहचानिए। अगर आपको लोगों को लेक्चर देना अच्छा लगता है तो इसका मतलब शिक्षा अधिकारी बन सकती। इसके साथ आप सबने मेरा इस शो में आए, आपने मेरा सुना, मेरे को इतना आदर मान दिया, उसके लिए बहुत आभारी हूँ, मुख्यमंत्री जी का भी, छत्तीसगढ़ सरकार का, और यहाँ दंतेवाड़ा के सभी नागरिकों का, और आप सब प्यारे बच्चों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com, या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर।